नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकोनिक इंडिया में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ऐसे पुराने सिक्के कौन से हैं जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, और ऐसे ही सिक्कों का आपको कलेक्शन करना है, और अगर आप सिक्के बेचना चाहते हैं तो किस सिक्के से सबसे ज्यादा आपको फायदा होगा। दोस्तों, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे सिक्के ज्यादा कीमती हैं और जिन सिक्कों पर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते वास्तव में वही ज्यादा कीमती होते हैं। आप में से ज्यादातर जो सब्सक्राइबर या व्यूवर्स हैं वो कॉमरेटिव कॉइन्स या रिपब्लिक इंडिया के सिक्कों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्या वही आपको अच्छी वैल्यू दे सकते हैं और वही आराम से बिक जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं क्या, सबसे ज्यादा जो रेयर वराइटी दोस्तों होती है वो एंशंट कॉइन्स में होती है, और मुगलों में भी दोस्तों काफी रेयर वराइटी है। और सल्तनत के जो सिक्के होते हैं, दिल्ली सल्तनत के या काफी ऐसे प्रिंसली स्टेट के भी सिक्के हैं जिनकी अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही समझाने वाला हूं क्या रिपब्लिक और कॉमरेटिव कॉइन्स के साथ साथ अगर आप इन सिक्कों का भी कलेक्शन करते हैं, ऐसे कुछ सिक्के अगर आपको मिल जाते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों इसकी क्या आपको वैल्यू मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए, मैं इंडिया में एक ऑक्शन हाउस है काफी बड़ा, हालांकि काफी इंडिया में अलग अलग तरह के ऑक्शन हाउस हैं, उसके मैं कुछ आपको दिखा देता हूं। अब ये जो प्राइस है, जो रेट है उन सिक्कों के, ये बिल्कुल हिलाने वाले हैं। आप ये देख सकते हो, ये जहांगीर का सिक्का है दोस्तों, ज्योतिष पे। जहांगीर ने जो अपने शासन काल में राशि चक्र पे कुछ सिक्के आधारित किए थे, जो हमारे इसमें राशि होती है मीन, मकर, कुंभ, तुला, इस तरह की जो राशि होती है उस पर कुछ सिक्के आधारित करे थे। अब इस सिक्के की देख सकते हैं आप, जहांगीर सिल्वर 10.63 ग्राम का सिक्का है, जॉर्डिस रूपी। प्राइस दोस्तों देख सकते हैं 1,60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक इस सिक्के की प्राइस जा रही है दोस्तों। दूसरा देख सकते हैं दोस्तों, जहांगीर का सिल्वर रूपी 11.33 ग्राम का सिक्का है, ये 50,000 से लेकर 55,000 तक इस सिक्के की प्राइस है। और दिखा देता हूं दोस्तों इस सिक्के को, देखिए दोस्तों ये बिच्छू बना हुआ है दोस्तों इस पे। यहां देख सकते हैं दोस्तों, जहांगीर सिल्वर जोडिस रूपी क्रैप साइन अहमदाबाद मिंट दोस्तों। प्राइस यहां पर देखेंगे दोस्तों 3 लाख रुपए से लेकर 3,50,000 रुपए तक दोस्तों इस सिक्के की प्राइस है। सिक्के हैं दोस्तों जहांगीर के, जो सिक्के हैं रेयर वैरायटी है काफी इसमें, और ऐसे सिक्के मिलना दोस्तों काफी मुश्किल होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। अब ये सिक्का दोस्तों देखेंगे आप, जहांगीर सिल्वर 10.6 ग्राम का ये सिक्का है, इसके प्राइस देखेंगे दोस्तों 1,60,000 रुपए से लेकर 1,80,000 रुपए तक इन सिक्कों के प्राइस है दोस्तों। अब ऐसे ही सिक्कों को दोस्तों आपको कलेक्शन करना है, ऐसे ही सिक्के आपको अच्छी खासी वैल्यू देंगे। अब अगर इन सिक्कों पर आप नजर डालें तो दोस्तों यहां पर एक मछली बनी हुई है दोस्तों। अब ये है दोस्तों मुगल शालम का सिक्का, इस पर मछली जो बनी हुई है ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जारी किया था मुगल बादशाह शालम के नाम पर, और इस पर ये जो मछली बनी हुई है दोस्तों ये है बनारस मिंट का सिक्का दोस्तों। इसकी वैल्यू की बात करें तो दोस्तों 3 से 3,500 रुपए का एक सिक्का है ये। बाकी ये कुछ जहांगीर के सिक्के हैं, ये अवध मिंट का सिक्का है ये, इस पे भी एक मछली बनी होती है दोस्तों, देखेंगे इस पे ये। अब जो कलेक्शन करना है दोस्तों इसी तरह के सिक्कों करना है। अगर आपको कहीं से जहांगीर के ज्योतिष वाले राशि चक्र पर आधारित सिक्के मिल जाते हैं तो आप इनको जो रिप्यूटेड जो ऑक्शन हाउस है उनके थ्रू आप अपने सिक्के बेच सकते हैं, और आपको इन सिक्कों की अच्छी खासी वैल्यू जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि ये सिक्के दोस्तों रेयर माने जाते हैं। और आप रिपब्लिक कॉइन्स पर भी ध्यान दीजिए, कॉमरेटिव सिक्कों पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो मुगलों में या एंशंट में जो रेयर वैरायटी है ये इनकी कीमत दोस्तों सबसे ज्यादा होती है। सच बताऊं तो ये रेयर वैरायटी इन्हीं में मिलती है, क्योंकि अब ये सिक्के दोस्तों बनते तो है नहीं है, 2,000 साल, 3,000 साल, 1,000 साल पुराने ये सिक्के होते हैं, अब ये बनते तो है नहीं है। तो ये दोस्तों एक दो, और कुछ ऐसे ही बताया जाता है कि जहांगीर के शासन काल में जो राशि चक्र पर जो सिक्के आधारित हुए थे ये गला दिए गए थे। इस पर थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कि राशि चक्र पे सिक्के सर्कुलेशन में जारी नहीं हो सकते हैं, तो ये गला दिए गए थे, तो काफी कम बचे थे सिक्के। तो आज की डेट में सिक्के दोस्तों बहुत ज्यादा रेयर हो चुके हैं। अब ये सिक्के दोस्तों जो मेरे हाथ में आप देखेंगे दोस्तों, इन पर दोनों फिश बनी हुई है, दोनों मछली बनी हुई है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये अवध मिंट का सिक्का है और ये बनारस मिंट का सिक्का है। अब प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसकी प्राइस 3 से 3,500 रुपए, इसकी प्राइस करें तो दोस्तों 1,000 से 1,500 रुपए प्राइस है।
रेयर वैरायटी अगर आपको मिल जाती है तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी ज्यादा अच्छी कीमत में मिलेगी। वो सिक्के आप जो रिप्यूटेड ऑक्शन हाउस है उनके थ्रू कॉन्टेक्ट करके अपने सिक्के वो सेल कर सकते हैं, उनका कुछ कमीशन होता है। बाकी जो सिक्के होते हैं तो उसे टैक्स वगैरह के साथ ही जो बायर्स होता है वो टैक्स वगैरह पे करके ही खरीदते हैं सिक्के। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको भी पता चल सके कि मुगल सिक्कों में कितनी ज्यादा रेयर वैरायटी है, और आने वाले टाइम में मैं आपको एंशियंट कॉइन्स के बारे में भी बताऊंगा क्या कौन कौन से एंशियंट कॉइन ऐसे हैं जो रेयर है, और कुछ सल्तनत के सिक्के के बारे में बताऊंगा और प्रिंसली स्टेट के सिक्कों के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और इस वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी, ताकि लोगों को ही पता चल सके कि आज से कुछ टाइम पहले जो सिक्के जारी होते थे 500 साल पहले, 1000 साल पहले, आज उनकी क्या वैल्यू है इस समय। इस वीडियो को दोस्तों आज मैं खत्म करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को दोस्तों देखने के लिए आपका धन्यवाद।